नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंट। प्रिंट का यूज करेंगे जब हम पेज सेट कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे तब ये आपका डायरेक्ट यहाँ से प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कितना कॉपी प्रिंट निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी डालते हैं और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ होगा तब प्रिंट निकल जाएगा। और ये ऑप्शन जो है अगर आपके सामने प्रिंटर रहेगा तब देखिएगा, तब और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन पे आते हैं। ये ऑप्शन है आपका एग्जिट। एग्जिट क्या करेगा, आपके नोटपैड से ये बाहर निकाल देगा। फिर से ओपन करते हैं नोटपैड, स्टार्ट से कहाँ जाना है, ऑल प्रोग्राम, फिर एसोसरीज और इसमें नोटपैड। ये आपका क्लोज बटन है, ये आपका मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करेगा। क्लोज क्या करेगा, पूरा नोटपैड को ही क्लोज कर देगा। वापस ओपन करते हैं नोटपैड और ये मिनिमाइज बटन, ये टास्क बार पर सेव करके रखता है, क्लिक करेंगे और वापस यहीं से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडिट मेनू पर। एडिट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका अंडू। अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। अंडू का काम क्या होता है, जैसे कि अभी हमने टाइप किए राम कुमार सिंह, अगर बाय द वे कुछ डिलीट हो जाता है उसको वापस लाना है तो एडिट पर जाकर अंडू करते हैं हम लोग। अंडू का काम होता है स्टेप वाइज पीछे जाना। स्टेप वाइज पीछे जाने के लिए हम लोग अंडू का यूज करते हैं। कोई भी काम किए हैं उस काम को करने के बाद हम लोग चाहते हैं कि पीछे जाएं, तब उसके लिए किसका यूज करेंगे, अंडू। ये क्या करेगा, बस स्टेप वाइज पीछे ले जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कट। कट का यूज आप सभी किए होंगे, अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसमें मूव ऑप्शन का आता है, मूव ऑप्शन आता है जिसका काम होता है कि एक फोल्डर से फोटो या सॉन्ग या वीडियो को उठाकर दूसरे फोल्डर में रख देना। ठीक वैसा ही काम इसमें कट का होता है, जैसे हम चाहते हैं कि कुमार को यहाँ से उठाकर बीच में लाया जाए तो उसके लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये सेलेक्ट कैसे होगा, माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के और जिधर सेलेक्ट करना है उधर ड्रैग कीजिए, खींचिए, ये आपका सेलेक्ट होते जाता है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पर जाकर कट कीजिए या यहीं से राइट क्लिक करके भी कट कर सकते हैं, वही ऑप्शन यहां से भी ओपन हो जाता है राइट क्लिक करने के बाद। कट कीजिएगा यहां से ये हट जाएगा, जहां आपको ले जाना है इस कर्सर को जो ब्लिंकिंग कर रहा है उसे कर्सर कहते हैं, इस कर्सर को हम लोग ले जाएंगे जहां पर ले जाना है। जैसे अभी हम कर्सर को नीचे ले जा रहे हैं तो नीचे ले जाने के लिए या लाइन चेंज करने के लिए इंटर की, कीबोर्ड में इंटर की होता है उसका यूज करेंगे, और आगे की ओर बढ़ाने के लिए स्पेस की, कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन होता है स्पेस की, स्पेस की के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे या एडिट पर जाकर के भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि पेस्ट आपको कैसे करना है, आसान लग रहा है वैसे पेस्ट कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, जैसे राम सिंह केवल लिख दिया, हम चाहते हैं कि राम को यहां से हटा के कुमार के पहले ला दिया जाए, तब उसके लिए कट का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या बताए हम, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है जिसको हटाना होगा। इस राम को हमको यहां से हटाना है तो राम को सेलेक्ट किए हमने, सेलेक्ट करने के बाद एडिट पर जाकर के कट करेंगे या राइट क्लिक करके कट करेंगे। अब इस कर्सर को हमको लाना है कुमार के पास, जबकि हम लोग लाइन चेंज कर लिए हैं तो नीचे की ओर आ जाएंगे या डायरेक्ट माउस से भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा।
माउस से आगे की ओर क्लिक करने पर नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग लाइन चेंज नहीं किए हैं। इतना दूर में लाइन चेंज किए हैं, माउस से क्लिक कर रहे हैं, वहां पे आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक वहां पहुंचने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। क्लियर है। अगला ऑप्शन है आपका कॉपी। कॉपी का काम क्या होता है? डुप्लीकेट फाइल या टेस्ट क्रिएट करने के लिए, तैयार करने के लिए। जैसे सिंह एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा बार सिंह लिख दें, तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे या एडिट पर जाके क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और जहां पर आपको कर्सर रखना वहां रखिए और राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए। हो रहा है? अभी हम जितना भी वर्क बताएं ये सभी काम शॉर्टकट से भी होते हैं, लेकिन अभी आपको समझने में आसानी हो इस कारण हम डायरेक्ट केवल माउस से ही बता रहे हैं। शॉर्टकट से भी बता देंगे, उसके लिए क्लास ओपन होने का वेट कीजिए ताकि सामने हम आपका प्रैक्टिकल करवा सकें। अगर आपके घर पे सिस्टम है, कंप्यूटर है अवेलेबल, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका पेस्ट। अभी हमने बताया कट करने के बाद भी पेस्ट करना होता है, कॉपी करने के बाद भी पेस्ट करना होता है। कट का काम है कि एक स्थान से हटाएगा और दूसरा स्थान पर रख देगा। कॉपी का काम है कि जहां से आप कॉपी करते हो वहां पे भी रखेगा और जहां आप ले जाइएगा वहां पे भी रखेगा। तो जो रखने का काम होता है वो कौन करता है? पेस्ट। पेस्ट का मतलब ही है रखना। ठीक है, इन सभी का भी शॉर्टकट होता है। जैसे अंडो का हमने बताया कंट्रोल प्लस जेड, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस वी। आगे बढ़ते हैं डिलीट की। डिलीट की का काम क्या होता है? डिलीट करना, जैसे इसको डिलीट करना है सेलेक्ट करके और यहां से डिलीट कर सकते हैं, या आपके कीबोर्ड में भी एक डिलीट के नाम से बटन होता है, सेलेक्ट करके और कीबोर्ड वाले बटन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग कीबोर्ड को स्क्रीन पे ला रहे हैं, ये देखिए डिलीट की है, क्लिक किए, एक मिनट, डिलीट हो गया। चलिए कीबोर्ड को हटाते हैं। अब अगला ऑप्शन है आपका फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। अगर कहीं भी खोजना होगा कोई वर्ड को, कोई टेक्स्ट को, या कोई लेटर को, या कोई सेंटेंस को ही, तब उसके लिए क्या होता है आपका? फाइंड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पेज पर बहुत सारा मैटर लिखा हुआ हो, मैटर एक मिनट कॉपी करके हम लाते हैं। ये सारा आपके पास मैटर आ गया। इसमें हम चाहते हैं खोजना किसी वर्ड को, जैसे कि द कहाँ कहाँ लिखा है, तो उसके लिए हम लोग फाइंड का यूज करेंगे। एडिट, एडिट में फाइंड टाइप कर देंगे द, उसके बाद यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते जाइए। ये ध्यान दीजिए जहाँ जहाँ द होगा इसको हाईलाइट करेगा, कर रहा है। ये डायरेक्शन है इसका, अगर डायरेक्शन ऑफ करते हैं तो ये अप की ओर खोजेगा, ऊपर की ओर। डायरेक्शन डाउन करते हैं ये नीचे की ओर खोजेगा। अब यहां पे आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैच केस। मैच केस का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे द कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन ये सर्च कर रहा है स्मॉल लेटर वाले को भी, लेकिन हम चाहते हैं केवल और केवल कैपिटल लेटर वाले को ही सर्च करें, तब उसके लिए हम लोग मैच केस को ऑन कर देते हैं। अब यहां से फाइंड नेक्स्ट कीजिए, ये बोल रहा है कि कैपिटल लेटर वाला द कहीं नहीं है इसमें। अभी हम टाइप करते हैं एक जगह,
यहाँ टाइप